Hi, I'm Chavi. Okay, so the term exhaustive means that this is the only and every law on the subject. And जब हम हिंदी में भी बात करें तो अगर whether कोई act जो है वो exhaustive है नहीं है, इसका मतलब यही होता है कि देखो इस act, इस subject के regarding आपको इस act के अलावा कोई और act refer करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. कैसे? देखो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि वेदर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज़ एग्जॉस्टिव और नॉट. तो अगर आपको ये जानना है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एग्जॉस्टिव है या नहीं है तो आप कैसे जानोगे? देखो सबसे पहली बात आती है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किसके बारे में बात करता है? ट्रांसफ़र्स के बारे में बात करता है. तो अब आपका क्वेश्चन ये आएगा ये जानने के लिए कि वो एग्जॉस्टिव है या नहीं है, आपको ये देखना है कि देखो ट्रांसफ़र जो सब्जेक्ट है, क्या जो TPA है, TPA मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, क्या ये TPA ट्रांसफ़र्स के रिगार्डिंग सारे के सारी चीज़ें डील कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या ट्रांसफ़र्स के रिगार्डिंग आपको सिर्फ TPA को पढ़ना है या फिर आपको कोई और एक्ट्स भी पढ़ने की ज़रूरत है? आप यहाँ पर देखोगे कि देखो जब हम ट्रांसफ़र के बारे में बात करते हैं, ट्रांसफ़र बहुत तरीके के होते हैं. ट्रांसफ़र बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ट्रांसफ़र इंटर वाइवस, ट्रांसफ़र ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन. ठीक है, तो जब हम TPA की बात करते हैं तो TPA सिर्फ और सिर्फ दो टाइप ऑफ ट्रांसफर्स के बारे में, ट्रांसफ़र इंटर वाइवस एंड ट्रांसफ़र बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. लेकिन जो तीसरा टाइप ऑफ ट्रांसफ़र है, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑन द डेथ ऑफ द पर्सन, जैसे कि विल का केस आ गया, वो TPA के अंदर जो है डिस्कस नहीं है. तो यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है? ट्रांसफ़र जो एक जो चीज़ है, ये वाला जो विल वाला जो एस्पेक्ट है, वो तो आपको सक्सेशन लॉज को रेफ़र करना पड़ेगा ना. क्या TPA जो है सारे के सारे जो चीज़ें हैं ट्रांसफ़र से रिलेटेड, क्या उसको कैटर कर रहा है? नो. वाई? बिकॉज फॉर द ट्रांसफ़र सच एज विल यू हैव टू रेफर टू सक्सेशन एक्ट. सो दैट्स वाई TPA इज़ नॉट.